दिया का किरदार बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा है. वो बहुत ही शी इज़ वेरी इनोसेंट, शी इज़ वेरी मस्तीखोर. वो बहुत सारी गड़बड़ भी कर देती है, बहुत बहुत ज़्यादा डरपोक भी है, बहुत जल्दी रो भी देती है. बट एट द सेम टाइम जब सब कोई घर के बड़े बड़े हार मान लेते हैं और डर जाते हैं, दैट्स व्हेन शी इज़ द वन हु टेक्स चार्ज एंड या सरप्राइजेस एवरीबडी. तो व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिया, दैट्स व्हेन शी शाइन्स द ब्राइटेस्ट. तो इट्स अ वेरी अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर एंड वेरी फन लविंग. सो यू माइट एक्चुअली जस्ट एंड अप फाइंडिंग हर वेरी क्यूट, स्पेशली माई रिलेशनशिप विद रतन वेरी क्यूट. वी हैव वेरी स्वीट मोमेंट्स टुगेदर एंड या इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन वॉचिंग आवर सीन्स टुगेदर. इट टुक मी अ वाइल टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर. बात करने में जो राजस्थानी या राजपूतों की तरह हम कह के बात करते हैं, दैट वॉज़न्ट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई डन दैट इन माई लास्ट शो ऑल्सो. बट वॉट वॉज मोर दिस थिंग इज यू नो हाउ यू सेट, हाउ यू टॉक, और जस्ट दिस डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट वैन यू हैव फॉर लाइक राइट नाउ आई एम नॉट वेयरिंग अ पोशाक, बट अदरवाइज दी अटायर इन माई शो मैं एक पोशाक पहनी हूँ और राजपूतों की तरह, मतलब मेरी पूरी फैमिली दिखाई गई है. दैट वॉज इट. एंड ऑल्सो यू ऑल शॉट इन राजस्थान, देयर वर मेनी आउटडोर शूट, सो हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस इन राजस्थान? It was very nice, especially राजस्थान में जैसे हमारे इंडियन कल्चर को इतना प्रिजर्व करके रखा हुआ है राजस्थान का. मतलब जब भी हम वहाँ के, इवन वेन यू गो टू एंड लिव इन होटल्स आउट देर, इट्स दे आर पैलेसेस विच आर नाउ कन्वर्टेड इन टू होटल्स. जो हमारा महल भी है जो हम लोगों ने फायसा होटल में कन्वर्ट किया हुआ है, तो वहाँ के सारे पेंटिंग्स और ये सारी चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता है. कि लाइक बीइंग अ मुंबईकर, देयर इज़ वेरी वेरी लेस ऑफ इंडियन कल्चर एंड वी आर रियली मूविंग वेरी फास्ट फॉरवर्ड. और वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देखना, राजस्थान का खाना, वहाँ का म्यूज़िक. हमारा टाइटल ट्रैक ही सुन लीजिए आप सब, लाइक इट्स अमेजिंग. बट द डिफिकल्ट पार्ट वॉज द धूप. That was like, and we went in the month of May, but that's not Rajasthan's fault. So yeah, otherwise Rajasthan ka sab kuch badhiya hi tha. Most important question, Ratan sir ke saath kaam karke aapka experience kaisa raha? It is amazing. Hum log bahut zyada masti karte hain and hum log bahut zyada jhagda bhi karte hain and hum log bahut jaldi maan bhi jate hain. And maine kabhi expect nahi kiya tha ki mujhe aise hero milenge. मुझे नहीं लगता इस शो के बाद भी मुझे कभी ऐसे हीरो मिलेंगे. ऐसा कभी कोई हीरो नहीं रहा है कि उसे शॉट के बीच में सोना है या उसे कल सुबह स्कूल जाना है या अब उसे लेस खाने का मन कर रहा है या तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है मेरी टू हैव अ हीरो लाइक हिम opposite me. So it's an amazing experience. Like you said, it was not expected for you. I'm sure it was not expected for any one of us either. Yeah. The very last question. So we've seen your apparel. Aapki itne achhe lehenge, costumes. In fact, I heard jab YouTube pe gaya the digital ads, बहुत सारी लड़कियां ने ये भी कहा कि हम हमारे शादी में दिया जैसे दिखना चाहते हैं. सो हाउ वाज योर एंटायर एक्सपीरियंस ओवर द लुक, योर हाउ डिड यू फील वेयरिंग ऑल दीज कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी? इट्स वेरी नाइस. अगर लड़कियों को सजना संवरना श्रृंगार करना पसंद है तो आई थिंक इट्स आइडियल. माई शो का लुक इज आइडियल. अगर किसी को नहीं पसंद है देन इट्स नॉट राइट, बट इफ़ अ गर्ल लव्स गेटिंग रेडी देन यू हैव एवरीथिंग यू वॉन्ट. यू हैव अ नथनी, नेक पीस, चोकर, बड़ा वाला हार, रिंग्स, बोरला, उसके ऊपर मांग पट्टा एंड इयर रिंग्स, और अगर कमर पट्टा, एम आई मिसिंग अ पायल, पायल की भी उंगलियों में वो व्हाट इज इट कॉल्ड, बिछुआ. तो ऐसे कोई पार्ट ही नहीं है जो हमने छोड़ा हुआ है. इट्स लाइक एवरीथिंग इज कवर्ड. सो वी हैव गॉट ज्वेलरी एंड दे हैव ट्राइड टू ब्यूटिफाई मी एज मच एज दे कुड. बट यू आर ऑलरेडी वेरी ब्यूटीफुल. थैंक यू. एंड नाउ रतन सर, आप बताइए, आप इतने बड़े शो के हीरो हो, हीरो बन के कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शो में रहकर,
और हम दोनों बहुत मस्ती करते रहते हैं बीच बीच में, बहुत झगड़ा भी करते हैं जैसे दिया ने कहा, और मुझे बहुत मज़ा आता है दिया के साथ में रहते हुए। एंड ऑल्सो अफान से रतन का ये पूरा जर्नी जो था, आपने कितनी तैयारी की रतन बनने के लिए? मैंने बहुत मेहनत की है। एक्चुअली मैं स्ट्रेट बैठता था तो मुझे प्रॉब्लम कुछ थी नहीं, लेकिन जो बात करने का तरीका था हम और मुझे बहुत चलने की प्रैक्टिस करनी पड़ी, कैसे चलते हैं स्ट्रेट होकर, बहुत बहुत मुझे वो करना पड़ा प्रैक्टिस। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि अफान को इतना मुश्किल हुआ होगा, बिकॉज आई रिमेंबर सुमित सर टेलिंग अस कि द मोमेंट मतलब अफान तो पहली बार शायद ऑडिशन के बाद आया था, एंड अफान एंटर्स द रूम एंड सुमित सर इज लाइक व्हाट इज़ योर नेम, एंड दिस गाय गोज लाइक अफान खान, सो इज लाइक यही है रतन, यही है। आई रिमेंबर सर टेलिंग या ही कुड लाइक सर कुड जस्ट सी रतन इन हिम, ही कुड जस्ट सी। Thank you.